नमस्कार जोहार आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। खबर गोड्डा से। अडानी पावर प्लांट के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा, रिकॉर्ड समय में तैयार होगा गोड्डा का पावर प्लांट। गोड्डा में बन रहे 1600 मेगावाट के पावर प्लांट का निरीक्षण करने अडानी कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी पत्नी सह अडानी फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रीति अडानी को गोड्डा पहुंची। सदर प्रखंड के मोतिया स्थित अडानी पावर प्लांट का निरीक्षण करने के पूर्व अडानी दंपति ने सिकटिया में संचालित मेगा वस्त्र उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान डीडीसी अंजलि यादव भी मौजूद रही। बाद में अडानी दंपति ने मोतिया गांव का भी दौरा किया, ग्रामीणों से संवाद किया। मोतिया गांव के बाद निर्माणाधीन पावर प्लांट का निरीक्षण कर कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी ने प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य समीक्षा की, साथ ही पावर प्लांट के चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। चेयरमैन गौतम अडानी ने इसका दौरान कहा कि गोड्डा के पावर प्लांट रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो जाएगा। यह 2022 से बिजली उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। निर्माण कार्य प्रगति को देखकर उन्होंने संतोष जाहिर किया। खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट से है। पोड़ियाहाट CHC पहुंची कोविड की वैक्सीन। कल यानी 27 जनवरी से मर्सी हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों का होगा टीकाकरण। गोड्डा के महागावा से। महागावा SDO ने अनुमंडल कर्मी एवं अधिवक्ताओं को दिलाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष में शपथ। पर दुमका से। दुमका कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत याचिका दाखिल। दिल्ली एम्स में भर्ती RJD सुप्रीमो लालू यादव की ओर से जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए झारखंड हाई कोर्ट से गुहार लगाई गई है। ये मामला दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ है। लालू यादव को CBI कोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में लालू यादव की ओर से आधी सजा काटने और बीमारी का हलावा देते हुए हाई कोर्ट ने जमानत की मांग की है। बता दें कि लालू यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में CBI कोर्ट से सजा मिली है। इनमें से 3 मामलों के झारखंड हाई कोर्ट में उन्हें जमानत मिल चुकी है। दुमका मामले में जेल मिलते ही वे जेल से बाहर आ जाएंगे। रांची में राज्यपाल व दुमका में CM हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा। झारखंड में गणतंत्र दिवस का रहा उल्लास। भारत आज 72वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। देश के हर हिस्से में गणतंत्र दिवस की धूम है। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में पुलिस लाइन में तिरंगा झंडा फहराया। राज्य के हर कोने में सरकारी कार्यालय, निजी संस्थान, स्कूल, कॉलेजों में भी तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। CM ने इस दौरान सशस्त्र बल संयुक्त परेड का निरीक्षण भी किया। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परेड की सलामी ली, इसके बाद उन्होंने तिरंगा फहराया। इधर रांची में पूरी तैयारी हुई है। राज्यपाल ने रांची के मोरहाबादी में तिरंगा फहराया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इससे पहले संयुक्त सशस्त्र बल परेड की निरीक्षण किया। खबर देवघर से। डिजिटाइजेशन के बाद भी लैंड म्यूटेशन हो रही है समस्या। लैंड म्यूटेशन डिजिटाइजेशन के साथ ही गिरिडीह एवं देवघर जिले में व्याप्त कठिनाइयों के समाधान को लेकर आज झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के सोन के साथ प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। बैठक के दौरान चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण जैन छावड़ा ने कहा कि कार्य आसानी से हो इसलिए सरकार द्वारा जमीनों के दस्तावेजों डिजिटाइजेशन किया गया, किंतु अभी भी कठिनाइयों बनी हुई है। जमीन इत्यादि की रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया लोगों को कठिनाई हो रही है। इस पर विभागीय सचिव के सोन ने मामले की जाँच कर शीघ्र सुधार का आश्वासन दिया। 40 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। खबर देवघर के मधुपुर से है। मधुपुर में सोमवार को अनुमंडल अस्पताल में टीकाकरण की शुरुआत की गई। टीकाकरण के पहले दिन 41 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, जबकि 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण अभियान को लेकर अस्पताल उपाधीक्षक से लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मी जुटे रहे। पहली टीम में आंगनबाड़ी सेविका संगीता कुमारी को टीका लगाया गया। इसके बाद आंगनबाड़ी की सहायक सरिता देवी को दूसरा टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद सभी लोगों को निगरानी कक्ष में रखा गया। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रहा है। खबर पाकुड़ से। बाबूलाल मरंडी ने कहा कि बंगाल में बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार। बंगाल से ममता सरकार का जाना लगभग तय है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार
बहुत बहुमत के साथ बनेगी। यह बातें पश्चिम बंगाल से लौटने के बाद सोमवार को पाकुड़ परिषदन में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कही। उन्होंने कहा कि एक सभा में शामिल होने बंगाल से रायगंज गया था। इसी के कार्यक्रम में टीएमसी सरकार की मंत्री कृष्णा कल्याणी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुई। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के मंत्री विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी की स्थिति क्या होगी। बंगाल की स्थिति काफी भयावह है। बंगाल में ममता की सरकार लोकतंत्र को समाप्त कर वहां के लोगों का अधिकार छीनना चाहती है। नृत्य प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी हुए सम्मानित। MRS एंड फिल्म्स मुंबई की ओर से आयोजित द स्टेट ऑफ बॉलीवुड नृत्य प्रतियोगिता में शामिल हुए प्रतिभागियों को सोमवार को कालिकापुर में सम्मानित किया गया। समन्वय संचिता सरकार द्वारा सर्वेश्वर साधु ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। MRS एंड द फिल्म मुंबई के निदेशक MS रॉकी ने पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। जामताड़ा से जामताड़ा में सांड ने मचाया कोहराम। वृद्धा की जान लेने के बाद जाल में फंसने पर तोड़ा दम। साइबर अपराधियों के गढ़ रूप में कुख्यात जामताड़ा एक सांड के आतंक से सहम गया था। उन्मादी सांड पिछले कई दिनों से आतंक मचा रखा था, जिधर जाता उधर हमला बोल देता। सोमवार को तो उसने हद कर दी। जामताड़ा सदर प्रखंड के सोनाबाद गांव में जोरदार हमला किया। उसके हमले से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, वहीं 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाद में सांड की मौत हो गई। उसके बाद जामताड़ा के लोगों ने राहत की सांस ली। जामताड़ा नाइजीरियन भरतपुर गिरोह हर साल कर रहे लाखों का साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड करने वाले कई गिरोह को ठग सक्रिय है, लेकिन राजधानी रायपुर से सबसे ज्यादा जामताड़ा नाइजीरियन और राजस्थान का भरतपुर गिरोह ऑनलाइन ठगी कर रहा है। हर साल सैकड़ों लोगों से साइबर फ्रॉड करके लाखों रुपए पार कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड करने का सभी गिरोह का तरीका अलग अलग है। हर बार एक ही तरीका होने के बाद भी लोग ठगों के झांसे में आते हैं और आसानी से ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।